तो बहुत लंबा समय आपके लिए नहीं बचा है तो आप इंपॉर्टेंट क्या है कि अब यह भी बता दिया गया है कि पेपर आपका कहां होने वाला है और मुझे लगता है कि शायद कल तक या आज शाम तक आपको नोटिफिकेशन भी मिल जाएगा वेबसाइट पर और आपको पता लग जाएगा कि कहां पर आपका पेपर होने जा रहा है है ना कहां पर आपका पेपर होने जा रहा है तो मैं बताऊंगा कि अगर आप इस डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं तो आपका पेपर इस जिले में होगा ये सारी चीजें आप बता दी गई हैं तो आ जाइए एक बार आप देख लीजिए जैसे अगर हम लोग बात करें कि अगर आप फिरोज ध्यान से सुनते जाएंगे अगर आप फिरोजाबाद से हैं ध्यान से सुनेंगे और सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी अपना नंबर आने पर आप पता कर पाएंगे कि हमारा पेपर इस जिले में होने जा रहा है 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 ना हमारा पेपर इस जिले में होने जा रहा है, तो आपको चिंता खत्म हो जाएगी ऐसा नहीं कि जेल वार्डर की के समय पर मेरठ आप रहने वाले हैं बनारस आपको भेज दिया गया था बनारस आपको भेज दिया गया था तो उसी तरीके से हम लोग देख लेते हैं कि कौन से जिले में हमारा पेपर होगा अब स्कूल वगैरह जो सेंटर होगा बस थोड़ा बहुत अलग होगा क्योंकि उसको अभी नहीं बताया गया वो तो आपके एडमिट कार्ड पर ही होगा जिला देख लेते हैं कौन से जिले में कोई भी अपने जिले में पेपर नहीं देगा इस बात को श्योर मान के चले सबके अलग अलग रखे गए हैं जैसे अगर आप फिरोजाबाद से हैं मथुरा से हैं राजस्थान से हैं गुजरात से हैं महाराष्ट्र से हैं तो आप आगरा में पेपर देंगे कहां पर देंगे आगरा में उसी तरह से अगर आप हाथरस या बुलंदशहर से हैं तो आप अलीगढ़ में पेपर देंगे उसी तरह से अगर आप आजमगढ़ से हैं तो आप अंबेडकर नगर में पेपर देंगे ठीक है अगर आप बरेली में हैं तो आप अमेठी में पेपर देंगे आप अगर बरेली में हैं तो अमेठी में पेपर देंगे ठीक है अगर आप बिजनौर से हैं तो अमरोहा में पेपर देंगे सारे बिजनौर वाले अमरोहा जाएंगे अगर आप इटावा तो तो से हैं तो औरैया आपका सेंटर होगा अंबेडकर नगर है तो अयोध्या पेपर होगा आपका जौनपुर से है तो आजमगढ़ में सेंटर होगा कासगंज में है तो वदायू में आपका सेंटर होगा वदाई में आपका सेंटर होगा उसी तरह से अगर आप मेरठ से हैं तो बागपत में आपका सेंटर होगा श्रावस्ती में है तो आप बहराइच में आपका सेंटर होगा मऊ से है अगर तो आप तो बलिया में आपका सेंटर होगा और उसी तरह से आगे देख लेते हैं हम लोग अगर आप आगे देख लेते हैं एक सेकंड रुकना अगर आप गोंडा से हैं तो बलरामपुर में आपका आ, सेंटर होगा अगर आप चित्रकूट में हैं तो बांदा में आपका सेंटर होगा लखनऊ में है तो आपका बाराबंकी में होगा पीलीभीत मुरादाबाद से हैं तो आप बरेली में पेपर देंगे संत कबीर नगर सिद्धार्थ नगर और गोरखपुर से हैं तो आप बस्ती में तीनों जिले के इन तीनों को बस्ती भेजा जाएगा अगर आप उत्तराखंड से हैं तो आप बिजनौर अलीगढ़ से हैं तो बुलंदशहर बाराणसी से हैं तो चंदौली उसी तरह से बांदा या कौसम्बी से हैं तो चित्रकूट उसी तरह से आप अगर गोरखपुर और महाराजगंज से हैं तो देवरिया गोरखपुर पहले भी हैं तो कुछ लोगों को देवरिया भी भेजा जाएगा कुछ लोगों को बस्ती भी ठीक मैनपुरी से हैं तो इटावा औरैया से हैं तो इटावा और इटावा वालों को औरैया भेजा जा, जा रहा था ना तो कन्नौज से है तो फरुखाबाद और इधर अगर हम लोग बात करें हमीरपुर से हैं तो फतेहपुर आगरा से हैं तो फिरोजाबाद मेरठ से

और आपके कर्नाटक के भी पंद्रह लोग हैं गोवा के भी एक है जिन्होंने पीईटी का परीक्षा देना है गोवा से भी एक विद्यार्थी आ रहा है आपका जिसको पीईटी की परीक्षा देना अर्थात वहां से भी फॉर्म भरा गया है समझ रहे अगर आपको दादरा नगर हवेली आप सोच रहे हैं कि वहां से कौन पीईटी की परीक्षा देने आएगा तो देख लीजिए चार लोग हैं जो दादरा नगर हवेली से आ रहे हैं 9400 लोग यहाँ मेरठ से पहुंचेंगे गाजियाबाद में और दिल्ली के लोग भी पहुंचेंगे दिल्ली के कितने लोग हैं आठ हजार एक सौ उनासी लोग लगभग बयासी सौ लोग आपके दिल्ली से आएंगे गाजियाबाद में ठीक है चलेगा तो आगे आ जाते हैं गाजीपुर अगर आप बलिया से हैं तो गाजीपुर अयोध्या से हैं तो गोंडा आजमगढ़ देवरिया बिहार से हैं तो गोरखपुर आपका महोबा से हैं तो हमीरपुर गाजियाबाद से हैं तो हापुड़ और आपका शाहजापुर से हैं तो हरदोई आगरा से हाथरस मैंने कहा आगरा के कुछ लोग फिरोजाबाद भी जाएंगे और कुछ लोग हाथरस भी जो आज अड़ोस पड़ोस के हैं ना वहीं पर आप रहेंगे उसी तरह से कुछ और बच्चे देख लो अगर आप अगर आप लोग झांसी से हैं तो जालौन संत नगर, अर्थात बदोई से हैं तो जौनपुर और अगर आप जालौन तमिलनाडु तेलंगाना मध्य प्रदेश से हैं तो झांसी है ना फरुखाबाद से हैं तो कन्नौज कानपुर से हैं तो कानपुर देहात कानपुर देहात उन्नाव और फतेहपुर से हैं तो कानपुर नगर वदायूं से है तो कासगंज और प्रयागराज से हैं तो कौशाम्बी गोरखपुर और महाराजगंज से हैं तो कुशीनगर सीतापुर से हैं तो लखीमपुर खीरी और झांसी से हैं तो ललितपुर और अगर आप सीतापुर बाराबंकी हरदोई और प्रतापगढ़ से हैं तो लखनऊ भी आपको जाना पड़ेगा ठीक है लखनऊ और कुशीनगर से हैं तो महाराजगंज और आगे अगर हम लोग बात करें झांसी और ललितपुर वाले महोबा एटा के हैं तो मैनपुरी आगरा के हैं तीसरा मथुरा आगरा के तीन जगह हो गए फिरोजाबाद भी हो गए मथुरा भी हो गए हाथरस भी हो गए ये बड़े जिले हैं बलिया से हैं तो मऊ आप, बिजनौर बागपत मुजफ्फरनगर से हैं तो मेरठ

मुरादाबाद के कुछ लोग बरेली कुछ लोग रामपुर मुरादाबाद भी बड़ा जनपद है क्योंकि 47 लाख ,00 की पॉपुलेशन है मुरादाबाद दूसरा सबसे बड़ा जनपद है प्रयागराज सबसे बड़ा है आगे बनारस से प्रयागराज गाजीपुर बेस्ट बंगाल और बिहार से हैं तो बाराणसी ठीक है कानपुर देहात से हैं तो उन्नाव कानपुर नगर से सॉरी उन्नाव अमेठी से हैं तो सुल्तानपुर और मेघालय मणिपुर छत्तीसगढ़ चंदौली से हैं तो सोनभद्र ठीक है तो सोनभद्र और आप लखीमपुर खीरी और लखनऊ से हैं तो सीतापुर बस्ती से हैं तो सिद्धार्थ नगर बहराइच और बलरामपुर से हैं तो श्रावस्ती हापुड़ और पंजाब से हैं तो शामली बुलंदशहर से हैं तो संबल है ना और बरेली से हैं तो शाहजहापुर बनारस बनारस से हैं तो संत रविदास नगर बस्ती और महाराजगंज से हैं तो संत नगर और शामली से हैं तो सहारनपुर तो ये आपका मोटा मोटी अंदाज आपको लग जाएगा कि आप अपने डिस्ट्रिक्ट के आसपास ही रहने वाले हैं ना आप अपने डिस्ट्रिक्ट के आसपास रहने वाले हैं तो ये था आपका कि आपका कौन सा जिले में सेंटर होने वाला है मुझे लगता है कि जल्दी ही आपका अगले वीक में आपका एडमिट कार्ड भी आ जाएगा और आपको पता लग जाएगा कि आप कौन से जिले में परीक्षा देने वाले हैं